हेलो एवरीवन, दिस इज तरुण एंड वेलकम टू द 28th एपिसोड ऑफ एनिमे न्यूज। आज हम बात करेंगे अबाउट स्टूडियो मापा's 10th एनिवर्सरी स्पेशल इवेंट, जुजुत्सु काइसेन मांगा सोलो लेवलिंग अडैप्टेशन और भी बहुत सारी न्यूज के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रेलर्स, प्रोमोज, एनिमे अनाउंसमेंट्स एंड मोर। TBS एनिमेशन की ऑफिशियल वेबसाइट ने अनाउंस किया है कि द क्विंटेसेंशियल क्विंटुप्लेट्स का थर्ड पार्ट एक मूवी के साथ कंटिन्यू होने वाला है जो जापान में 2022 में रिलीज होगी। तो फाइनली जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, पॉपुलर कोरियन वेबटून सोलो लेवलिंग की एनिमे अडैप्टेशन अनाउंस नहीं हुई है। एक गेम और ड्रामा सीरीज अनाउंस हुई है। कोरियन गेमिंग कंपनी नेट मार्बल कॉर्प इस गेम को डेवलप कर रही है जो ज्यादातर मोबाइल गेम्स डेवलप करती है, और इसके ड्रामा के लिए DNC मीडिया और काकाओ एंटरटेनमेंट जो कि इसके ओनर हैं, उनकी अमेरिका के कई स्टूडियोज के साथ बात चल रही है इसके ड्रामा को प्रोड्यूस करने के लिए। हाउ अ रियलिस्टिक हीरो रीबिल्ड द किंगडम लाइट नॉवल सीरीज की एनिमे अडैप्टेशन लास्ट ईयर अनाउंस हुई थी। उसी से रिलेटेड एक अपडेट है कि ये एनिमे जुलाई में प्रीमियर होने वाला है। इस एनिमे को JC स्टाफ एनिमेट कर रहा है और रिसेंटली इसका एक ट्रेलर भी रिलीज हुआ है। ट्रेलर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शिनचैन फ्रेंचाइजी की 29th मूवी क्रेयॉन शिनचैन द मूवी श्राउडेड इन मिस्ट्री द फ्लावर्स ऑफ टेनकाजू एकेडमी की थिएट्रिकल रिलीज डेट डिले हो चुकी है क्योंकि जापान में भी वापस से कोरोना बढ़ने लगा है। स्टूडियो जिबली की 3D CG मूवी ईयरविग एंड द विच की थिएट्रिकल रिलीज को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। मूवी 29th अप्रैल को रिलीज होने वाली थी। खैर, इन मूवीज की कोई नई रिलीज डेट अनाउंस होती है तो हम पोस्ट कर देंगे। धीरे धीरे और भी एनिमे एपिसोड्स एंड मूवीज में डिले देखने के लिए मिल सकता है। द 7 डेडली सिंस कर्स्ड बाय लाइट मूवी का एक नया ट्रेलर रिलीज हुआ है। ट्रेलर के साथ मूवी का एक नया इलस्ट्रेशन भी रिलीज हुआ है जिसे 7 डेडली सिंस के ओरिजिनल क्रिएटर नकाबा सुजुकी ने इलस्ट्रेट किया है। मूवी जापान में 2 जुलाई को रिलीज होगी। वीकली शोनन जंप मैगजीन ने रिवील किया है कि द वैम्पायर डाइज इन नो टाइम मांगा 1 महीने के लिए हियाटस पे जा रही है। अगला चैप्टर 27 मई को पब्लिश होगा। जुजुत्सु काइसेन की मांगा भी 3 हफ्ते के शॉर्ट ब्रेक पर जा रही है। अब अगला चैप्टर 148 17 मई को रिलीज होगा। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माई वीडियो ऑन जुजुत्सु काइसेन, ऊपर कार्ड फ्लैश हुआ होगा। अटैक ऑन टाइटन मांगा के फाइनल चैप्टर से बहुत सारे फैंस खुश नहीं थे, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि जो इस मांगा की 34th एंड फाइनल वॉल्यूम रिलीज होने वाली है उसमें कुछ एडिशनल पेजेस इंक्लूड किए जाएंगे जो कि फाइनल चैप्टर में पहले नहीं डाले गए थे। इसे आमा और एडिटोरियल स्टाफ ने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि फाइनल चैप्टर थोड़ा लंबा होने वाला था लेकिन कुछ कंस्ट्रेंट्स की वजह से उनको उसे छोटा करना पड़ा। सो मे बी यू विल फाइंड सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड सम मोर क्लोजर। ज़ॉम्बीलैंड सागा रिवेंज सीक्वल एनिमे प्रोजेक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट ने अनाउंस किया है कि इस फ्रेंचाइजी की पहली साइड स्टोरी मांगा जिसका टाइटल है ज़ॉम्बीलैंड सागा गेडन द फर्स्ट ज़ॉम्बी स्वेशा के अल्ट्रा जंप में मई 19 से पब्लिश होना शुरू होगी। इस मांगा को ड्रॉ कर रही हैं कासुमी फुकागावा जो कि फर्स्ट और सेकंड सीजन का कैरेक्टर डिजाइन भी कर चुकी है। विज मीडिया और मार्वल ने अनाउंस किया है कि ऑनगोइंग मांगा डेडपूल समुराई फरवरी 22 में ऑफिशियली इंग्लिश में पब्लिश होना स्टार्ट होगी। डेडपूल समुराई लास्ट ईयर दिसंबर में पब्लिश हुई थी एज वन शॉट मांगा एंड देन इट बिकेम फुल ऑनगोइंग सीरीज ऑन शोनन जंप प्लस। वार्नर ब्रदर्स जापान ने टोक्यो रिवेंजर्स लाइव एक्शन फिल्म का न्यू ट्रेलर स्ट्रीम किया है। इस ट्रेलर में मूवी का थीम सॉन्ग आई विल कॉल योर नेम का प्रीव्यू भी है जिसे परफॉर्म किया है रॉक बैंड सुपर बीवर ने। मूवी जापान में 9 जुलाई को रिलीज होने वाली है। टोक्यो रिवेंजर्स एनिमे इस अप्रैल में प्रीमियर होना चालू हुआ है जिसे म्यूज़ एशिया अपने यूट्यूब चैनल पर साइमलकास्ट कर रहा है, तो आप वहां पर उसे लीगली देख सकते हैं। रुरोनी केंशिन की 2 लाइव एक्शन मूवीज के ट्रेलर स्ट्रीम हुए हैं, रुरोनी केंशिन द फाइनल एंड रुरोनी केंशिन द बिगनिंग। द फाइनल 23 अप्रैल को रिलीज होने वाली है, मतलब हो चुकी है, और द बिगनिंग 4 जून को। साइफाई वॉर नॉवल सीरीज 86 की प्रीक्वल मांगा पब्लिश होने वाली है 26 अप्रैल से। इस मांगा का एनिमे भी एयर होना चालू हुआ है। ये एनिमे 2 पार्ट्स में एयर होगा और क्रंचीरोल ने इसका इंग्लिश डब भी अनाउंस कर दिया है। दी फार अवे पैलेडिन और स्केलेटन नाइट इन अनदर वर्ल्ड की एनिमे अडैप्टेशन अनाउंस हुई है। फार अवे पैलेडिन अक्टूबर में प्रीमियर होगा और स्केलेटन नाइट की रिलीज डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। इसके साथ द ग्रेट जाही विली नॉट बी डिफीटेड और दिस हीलर्स हैंडफुल कॉमेडी की एनिमे अडैप्टेशन अनाउंस हुई है। रेस्टोरेंट टू अनदर वर्ल्ड सीजन 2 की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। सीरी गेंसोकी स्पिरिट्स क्रॉनिकल्स ने अनाउंस किया है कि एनिमे इस जुलाई में रिलीज होने वाला है। अनाउंसमेंट के साथ इस सीरीज का एक विजुअल और ट्रेलर भी रिलीज हुआ है, विजुअल आपकी स्क्रीन पर है एंड ट्रेलर एज ऑलवेज इन डिस्क्रिप्शन। स्टूडियो मापा की 10th एनिवर्सरी पर 27 जून को मापा एक स्पेशल इवेंट मापा स्टेज 2021 ऑर्गेनाइज कर रहा है। इस इवेंट में अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट 2, यासुके, चेनसॉ मैन, जुजुत्सु काइसेन, ज़ॉम्बीलैंड सागा रिवेंज और भी कुछ एनिमे के स्टेज पैनल्स होंगे। इस इवेंट में हमें इन एनिमे के न्यू ट्रेलर्स या
या फिर इनसे रिलेटेड कुछ न्यू अपडेट्स जानने को मिल सकती है। तो ये सेक्शन यही खत्म होता है। बस लास्ट न्यूज वीडियो से इस न्यूज वीडियो तक जितने भी नए एनिमे प्रोमोस रिलीज हुए हैं उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट 2 एनिमे गेमिंग न्यूज। डीमन स्लेयर की अपकमिंग कंसोल गेम किमित्सु नो याइबा हिनोकामी कैपुटन ने रिवील किया है कि उरोकोदाकी गेम में एज अ प्लेएबल कैरेक्टर अवेलेबल होने वाला है। गेम में स्टोरी मोड और बैटल मोड दोनों होगा। स्टोरी मोड में सीजन 1 की स्टोरी होगी और बैटल मोड में आप डिफरेंट कैरेक्टर सेलेक्ट करके मल्टीप्लेयर बैटल्स खेल पाएंगे। कोनामी ने अनाउंस किया है कि यूकियो रश डुअल साइकियो बैटल रॉयल गेम 12 अगस्त को निंटेंडो स्विच पर रिलीज होने वाली है। के लैब ने अनाउंस किया है कि ब्लीच ब्रेव सोल्स गेम अब स्मार्टफोन के बाद PS4 पर भी रिलीज होने वाली है। गेम जैपनीज के साथ साथ इंग्लिश, फ्रेंच, ट्रेडिशनल चाइनीज, सिंप्लीफाइड चाइनीज, कोरियन और थाई लैंग्वेज में अवेलेबल होगी। फनीमेशन और सोनी पिक्चर्स टेलीविजन गेम्स ने अनाउंस किया है कि वो माय हीरो एकेडमी द स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो मोबाइल गेम इस स्प्रिंग में इंग्लिश में रिलीज करने वाले हैं। गेम iOS और एंड्रॉइड दोनों के लिए अवेलेबल होगा। नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और स्कैंडिनेविया। इस गेम के लिए प्री रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और ये गेम जापान में ऑलरेडी दिसंबर में रिलीज हो चुका है। पार्ट 3 एनिमे न्यूज रिलेटेड टू इंडिया। नेटफ्लिक्स इंडिया पर मई में कुछ नए एनिमे टाइटल्स ऐड होने वाले हैं। हिगुराशी वेंदेक्राय गो फर्स्ट में, यशाही में प्रिंसेस हाफ डीमन सीजन 1 फर्स्ट में, कासलवेनिया सीजन 4 13th में और कुरोकोस बास्केटबॉल सीजन 2 15th में। विट स्टूडियो के ऑनगोइंग एनिमे विवीज फ्लोराइड आइस सॉन्ग के एंड क्रेडिट से ये रिवील हुआ है कि विट स्टूडियो ने इस सीरीज का 3D CG इंडो जैपनीज स्टूडियो बिजी बीस से आउटसोर्स करवाया है। आउटसोर्सिंग मतलब एक एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन को पैसे देकर काम करवाना। एक तरह से तुम किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज और एम्प्लॉयज को इस्तेमाल करते हो अपना काम करवाने के लिए। बिजी बीस एंटरप्राइज एक इंडो जैपनीज 3D CG कंपनी है जो विजुअल कॉन्टेंट बनाने में स्पेशलाइज करती है, इंक्लूडिंग 3D मॉडलिंग, रिगिंग एंड 3D एनिमेशन। इनके स्टूडियो टोक्यो और कोलकाता में लोकेटेड हैं और इसमें काफी सारे इंडियंस काम करते हैं। सो आई थिंक दैट इज अ ग्रेट न्यूज एंड दैट इज इट फॉर टुडे। अगर तुम चाहते हो कि तुमको इंस्टेंट न्यूज अपडेट्स मिले तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को जरूर फॉलो करना @itsweepcentral। सो आई वॉज टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम रिकॉर्डिंग और मैंने कुछ पोस्ट देखी रिलेटेड टू कोविड एंड देश चल रहा है यार, बहुत बुरा हाल है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू, तुम देख रहे होगे कि स्टोरीज पे शेयर हो रहा है सब चीज़ें, वॉलंटियर्स की जहाँ ज़रूरत है, फंड्स की जहाँ ज़रूरत है, ऑक्सीजन सप्लाई की जहाँ ज़रूरत है और जहाँ से सप्लाई हो रही है सब कुछ शेयर हो रहा है। तो कुछ नहीं कर सकते ना, तो एटलीस्ट उन चीज़ों को शेयर कर दो। जहाँ ज़रूरत महसूस हो रही है तुम खाना सप्लाई कर सकते हो, पैसे कुछ डोनेट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस पे जो एक्चुअली काम कर रही हैं। सब चीज़ें शेयर हो रही हैं, ठीक है, तुम सब जानते हो, निकाल सकते हो ट्विटर से लोगों की स्टोरीज से। तो प्लीज़ उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दो और बूस्ट इट टू वॉट एवर लेवल यू कैन। दिन की 10 स्टोरीज डालनी पड़े, 50 डालनी पड़े, डालो, बट कुछ करो यार। द सिचुएशन इज सो बैड कि तुम किसी एक की भी कहानी बैठ के देख लोगे ना, तुम्हारी आंखों से आंसू आ जाएंगे। जस्ट ट्राई टू हेल्प एंड मे बी यू कैन नोइंगली और अननोइंगली सेव अ लाइफ, सेव अ फैमिली। द कंट्री इज बर्निंग, योर नेबर, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पीपल यू मे नॉट नो आर ऑल इन पेन, दे आर सफरिंग एंड मे बी प्रेइंग के कोविड उनके घर तक ना पहुँचे। तो अनफॉर्चुनेटली जहाँ तक पहुँच गया है, लेट्स ट्राई एंड हेल्प कंटेन इट। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय।